आज भारतीय जनता पार्टी ने राजपुर रोड और चक्राता रोड में लगे भाजपा सरकार के पोस्टरों को फाड़ने का कड़ा विरोध जताया और मुख्य विकास अधिकारी से इस बाबत बात की। भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है और इसका उदाहरण आपके सामने है। नियम कानूनों का पालन करते हुए होर्डिंग लगाए, लेकिन उन्होंने निर्वाचन आयोग व अधिकारियों पर दबाव बनाया और होर्डिंग को हटवा दिया है। और सारे नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए हमने होर्डिंग्स लगाए, बस शेल्टर्स लगाए, और उसका एकदम से जो इम्पैक्ट आया उससे कांग्रेस और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने शासन प्रशासन और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का काम किया, और आश्चर्य की बात यह है कि समाचार पत्रों में भी छपा, अनेक चैनल्स में भी आया कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष को या अन्य अध्यक्षों को नोटिस दिए गए हैं और उसमें 48 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन वो 48 घंटे भी इंतजार नहीं किया गया और कल शाम को हमारे विज्ञापन फाड़े गए, फटवाए गए और हटाने के लिए विज्ञापन एजेंसी पर अनैतिक दबाव बनाया गया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि नियम कानूनों को देखते हुए ही पोस्टर और होर्डिंग लगवाए गए थे। नहीं, बिल्कुल, देखिए आरोप तो शत प्रतिशत निराधार है कि दबाव में कार्य किया जा रहा है। हाँ, कानून के सम्मत नहीं किया जा रहा था और उनको ये बताया गया है कि परमिशन जरूरी, अनुमति जरूरी है, एमसीएमसी बनी है, कमेटी बनी है और उस कमेटी से सर्टिफाई होकर के उनको अनुमति दी जानी थी। दूसरा, निर्वाचन आयोग ने एक डायरेक्शन दिया है कि सभी लोगों को जो भी प्रचार की स्थल हैं या साइट्स हैं उस पर समान रूप से सबको अवसर मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए, इसलिए उनको अनुमति लेनी थी, जो अनुमति उन्होंने नहीं लिया था तो नोटिस जारी किया गया था और होर्डिंग्स हटाए गए थे। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से पूर्णिमा मिश्रा।